हेलो हाँ जी, क्या मेरी बात मिस्टर संजीव जी से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी संजीव जी, नमस्कार। विजय बात कर रहा हूँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सेक्रेटरी चंडीगढ़ से। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजीव जी, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? हाँ जी। ओके संजीव जी, जैसे कि मैं देख पा रहा था कि आप ना लास्ट वीक हमारे ऑफिस में आपने विजिट किया था, हमारी ब्रांच में। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर आपने एक इंटरेस्ट शो किया था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर के लिए। हाँ जी, मैं पॉलिसी रिगार्डिंग आया था, तो मेरी बात हुई थी। जी जी जी। तो हाँ जी, मैंने थोड़ा मैंने बताया था। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, सबसे पहले सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को, है ना, आपने चुना। और सर, जैसे कि आपने जब इंटरेस्ट शो किया, तो सर उसी पर्पज से मैंने आपको कॉल की है कि मेरे पास यहाँ पर सर एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है ना, जिसे चाहता हूँ सर आपको मैं शेयर करना। और उसी अपॉर्चुनिटी को सर डिटेल में ना बताने के लिए मेरे को आपसे एक 15 से 20 मिनट की मीटिंग चाहिए, है ना, म्यूचुअल टाइम पे, ताकि हम इस मुद्दे पे जो है इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना? तो क्या सर हम मिल सकते हैं कल इसके लिए? मेरा ना बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मुश्किल होगा मेरे लिए ट्रेनिंग में आना। और इंश्योरेंस का मेरा कोई है नहीं ऐसा बैकग्राउंड। बिल्कुल संजीव जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपका ट्रेनिंग लगाना या ट्रेनिंग में आना शायद आपके, ना जो आपने बताया कि बिजी रहते हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट ना हो, पर सर यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप ही की तरह सर बहुत सारे मेरे ऐसे एडवाइज़र हैं जो आज के डेट में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। शायद उनका भी पहले सर ये मतलब कॉमन इशू था, है ना, कि टाइम नहीं मिल पाएगा और ये सब सर। लेकिन आज के डेट में वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। अच्छा। वो बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छा सर अर्न कर रहे हैं। और आप यकीन करेंगे सर, जब उन्होंने इसको ज्वाइन किया तब वो भी मतलब इसी पैरामीटर्स पे थे, है ना। लेकिन आज सर वो देश विदेश की यात्रा भी करते हैं कंपनी की तरफ से, और काफी सक्सेसफुल हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। पर मेरा तो कुछ सेल्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है, कैसे हो पाएगा? बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ सर। जैसे कि आपने बताया सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है सर जी, हमारे यहाँ एक कई ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सरकारी विभाग से, है ना, जो रिटायर हुए थे, उनका भी एक्सपीरियंस सेल्स का नहीं था। लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़े, हमारी जो ट्रेनिंग जो हमारा रहता है सर, वो वर्ल्ड के मतलब इंडस्ट्री के सर बेस्ट ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे सर वो इसमें आगे बढ़ते गए, उनको ये महसूस होने लगा कि ये काम बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें सर देखिए सेल्स सपोर्ट हमारी तरफ से आपको 24/7 रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने सुपरवाइजर की बात करूं या उनके ऊपर के लेवल की बात करूं, तो हमारी तरफ से आपको सपोर्ट जो है पूरी रहेगी। मेन काम क्या है सर, आपको इस धंधे में या इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाना हमारा काम रहेगा। मैंने किसी को इंश्योरेंस के लिए बोल नहीं सकता कि आप इंश्योरेंस कराओ, तो वो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इससे, और मैं उनसे खुद मिलना में थोड़ा वो लगेगा कि मेरा जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मैं उसको पॉलिसी रिक्वेस्ट करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप देखिए एक्सन एज एन एक्सन रिटायर्ड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस डेजिग्नेशन का बंदा किसी को सामने जाके मतलब कई बार लगता है बंदे को कि यार मैं नहीं, है ना, उसको अच्छा लगेगा कि यार इतने बड़े लेवल का बंदा मेरे को पॉलिसिकली अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ सर। लेकिन आप मेरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर देखिए कोविड के बाद ना एक तरह से अब लोगों को लाइफ की वैल्यू जो है बेहतर समझने लगे हैं, मतलब समझ आने लगी है, है ना। पहले क्या होता था सर, हम जब किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्रोच करते थे तो बंदे को लगता था यार अगर ये बंदा ना करेगा तो शायद मेरे को मतलब कहीं पे एम्बेरस होना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है सर। अगर मैं इस बात करूँ इंश्योरेंस की, है ना, पॉलिसीज की, तो सर ये जो बिजनेस है पोस्ट कोविड से बहुत बढ़ चुका है। अब ये इतना मुश्किल रहा नहीं है जितना पहले शायद कभी होता था। वैसे तो पहले भी था, लेकिन डिपेंड करता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरी फैमिली भी ना इसमें मना ही कर रही है मुझे करने के लिए कि आप क्या इस कौन सा काम करने जा रहे हो। समझ पा रहा हूँ सर, समझ पा रहा हूँ। देखिए परिवार सर हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, है ना। बिल्कुल मेरा भी है सर, और आपका भी सर आपने बताया है, तो उनकी जो भी फैसला रहता है सर हमें मानना चाहिए भी, है ना। पर मैं यहाँ पर आप सर आपको बात बताना चाहूँगा कि जिस काम को जो सर मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ ना, ये एक नोबल प्रोफेशन है, एक नोबल काम है, है ना। अगर सर आपकी एडवाइस से, आपकी हेल्प से कह लीजिए, अगर किसी बंदे को फाइनेंशियली अपने जो नीड्स हैं या गोल्स हैं फुलफिल करने का, अचीव करने का मतलब मौका मिलता है, तो इससे बढ़िया बात क्या है सर। ठीक है ना। और दूसरा ये है सर कि
जब जैसे कि आपने मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ सर देश विदेश की यात्रा हम लोग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे मतलब कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे जैसे वो आप अचीव करेंगे तो आप वो क्राइटेरिया जो है कंपनी की तरफ से आप देश विदेश की यात्रा का सर आनंद ले सकेंगे, है ना। और मैं गारंटी करता हूँ सर, मैं अश्योर करता हूँ आपको कि जब इस बारे में आप अपनी फैमिली से बात करेंगे कि ये जो बेनिफिट जैसे आपने मैंने बताया नोबल कोज है ना, देश विदेश की यात्रा और बहुत सारे बेनिफिट सर, R&R यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहती है, जब आप एक बार उनसे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आई एम श्योर सर वो जरूर एग्री होंगे। अगर फिर भी कोई सर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक ऐसे कन्वीनियंट टाइम में हम लोग मिलेंगे जहाँ पर आपकी फैमिली भी साथ में हो सर, है ना, एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको दोबारा फोन भी नहीं करेंगे इस वजह से। ठीक है, एक बार मिलते हैं। चलिए ठीक है सर, कल शाम को मिले 4 बजे। हाँ जी, चलिए आपका सर एड्रेस मेरे पास है, एक बार कल आपको आने से पहले कॉल करूँ। ठीक है, थैंक यू सर।